Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, Chief of Air Staff, and Air Chief Marshal R.K.S. Bhadauria, पूर्व वायु सेना अध्यक्ष तथा प्रेसिडेंट एयरफोर्स एसोसिएशन, एयर मार्शल जगदीप सिंह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एयरफोर्स एसोसिएशन, एयर वाइस मार्शल श्री एफ के गगनेजा वाइस प्रेसिडेंट एयरफोर्स एसोसिएशन और सभी हमारे फॉर्मर एयर चीफ मार्शल्स मार्शल्स और अन्य सारे ऑफिशियल्स और हमारे बहादुर जवान और मेरे मीडिया के मित्र। सबसे पहले तो मैं एयरफोर्स एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे एयर चीफ मार्शल पीसी लाल मेमोरियल लेक्चर में अपने कुछ विचार व्यक्त करने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है। हमारी एयरफोर्स आज जिस मुकाम पर है उसमें अनेक लीडर्स एयर वॉरियर्स डिफेंस प्लानर्स की काबिलियत शौर्य पराक्रम त्याग और उनका बलिदान रहा है। इनमें एक प्रमुख नाम पीसी लाल जैसे वीरनरी का भी है। एयर चीफ मार्शल पीसी लाल जैसा महान व्यक्तित्व जिसने आजादी के पूर्व से ही एयरफोर्स के इवोल्यूशन को बड़े करीब से देखा, आजादी के बाद के अनेक कॉन्फ्लिक्ट्स में उन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हमारी रक्षा को मजबूती भी दी है। एक लीडर जिसने अपना पूरा जीवन निष्ठा और समर्पण के दास के साथ इस देश के नाम कर दिया। इंडो पाक वार 1971 रेमिनिसेंसेस ऑफ एयर वॉरियर्स नामक एक पुस्तक का भी आज विमोचन होने वाला है। इसे पढ़ने के लिए मैंने पहले ही अपने पास मंगा लिया था। वैसे तो मैं इसे एक नजर ही देख पाया पर इसका इनवेलप देखकर मजमून तो भांप लेते ही हैं। मैं तो बस इसके इनवेलप तक ही नहीं रहा बल्कि इसके पन्नों को भी हमने पलटा है। जिस तरह से इस बुक में आर्टिकल्स का कलेक्शन किया गया है और जिस तरह से हमारे वेटरन्स ने बड़ी बारीकी और ईमानदारी के साथ इसमें अपने अनुभव दर्ज किए हैं वह निश्चित ही काबिले तारीफ है। स्वर्ण विजय वर्ष पर मुझे 25 आर्टिकल्स इस बुक में मिले हैं। मैं इस बुक के दोनों एडिटर्स एयर मार्शल जगदीप सिंह और ग्रुप कैप्टन श्री शैलेंद्र मोहन और इस बुक में अपना कंट्रीब्यूशन देने वाले सभी 50 वेटरन्स को अपनी ओर से हार्दिक बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। इस बुक में एक दो लाइन्स की मैं यहां पर चर्चा करूंगा जो मैं समझता हूं एयर चीफ मार्शल पीसी लाल को पूरी तरह से यह अभिव्यक्त करती है। पहली तो एक कोटेशन है जो इस तरह है, ए लैम्प डजंट स्पीक, इट इंट्रोड्यूसेस इटसेल्फ थ्रू इट्स लाइट। लाइकवाइज अचीवर्स नीड नॉट टॉक अबाउट देमसेल्व्स, दे विल बी ऑटोमेटिकली नोन बिकॉज ऑफ देयर अचीवमेंट्स। इसी तरह एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने इस पुस्तक के लिए अपने मैसेज में एक लाइन लिखी है, द एग्जीक्यूशन ऑफ दीज प्लान्स वाज इन द हैंड्स ऑफ एयर वॉरियर्स हु वर अमंगस्ट द मोस्ट करेजियस डेडिकेटेड एंड कमिटेड वॉरियर्स दैट दिस कंट्री हैज एवर सीन। मैं समझता हूं ये दोनों लाइन्स एयर चीफ मार्शल पीसी लाल पर पूरी तरह से लागू होती है और मुझे विश्वास है कि हमारी एयरफोर्स उनके विजन के अनुरूप सदैव आगे बढ़ती रहेगी और राष्ट्र की संप्रभुता सुरक्षा के लिए वह सदैव तत्पर रहेगी। साथियों, हमारे देश को जब जब भी जरूरत पड़ी है इंडियन एयरफोर्स ने हर मौके पर खुद की मजबूती साबित की है। मैं इंडियन एयरफोर्स की अब तक की यात्रा, नई नई चुनौतियों से निपटने की क्षमता और आने वाले समय के लिए इसे तैयार करने के प्रयासों पर अपनी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। साथ ही मैं पीसी लाल के जीवन की कुछ झलकियां, उनके कुछ अनुभव आपके सामने रखना चाहता हूं जो यह बताते हैं कि वह खुद इंडियन एयरफोर्स से और इंडियन एयरफोर्स उनसे किस तरह प्रभावित रही है। पहली घटना जिसका जिक्र पीसी लाल अपनी एक पुस्तक माय ईयर्स विद द इंडियन एयरफोर्स में करते हैं वह अक्टूबर 1947 की घटना। इस इंसिडेंट में हमें इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी का एक सशक्त उदाहरण देखने को मिलता है जिसने पाकिस्तानी रेडर से जम्मू और कश्मीर को बचाने में काफी मदद की थी।
26 अक्टूबर 1947 वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन होने के बाद भारत सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती पाकिस्तानी हमलावरों को रोकना था। ये हमलावर पहले ही श्रीनगर के बाहरी इलाकों में अपनी मौजूदगी बना चुके थे। हालात बड़े नाजुक थे। इंडियन एयरफोर्स को बड़ी सूझ बूझ के साथ आगे बढ़ने की जरूरत भी थी। जम्मू और कश्मीर में जो एयरफील्ड उपलब्ध थे वे महाराजा हरि सिंह के छोटे निजी विमानों के लिए थे और यह सभी 60 अनपेड बिना किसी नेविगेशनल अथवा लैंडिंग एड्स और बिना रिफ्यूलिंग कैपेसिटी वाले ये सारे एयरफील्ड थे। उस समय जिन डकोटा विमानों का इस्तेमाल होता था आप लोग जानते हैं कि उनकी सीलिंग कैपेसिटी बहुत ही कम थी। साथ ही वहां के पहाड़ी क्षेत्र अक्सर बादलों और धुंध से घिरे रहते थे। 27 अक्टूबर 1947 को जब तक कि भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पहुंचती किसी को यह नहीं मालूम था कि इन्वेडिंग फोर्सेस पहले से ही वहां मौजूद थी। यहां मुझे इस युद्ध के एक और नायक श्री बीजू पटनायक जी की मैं चर्चा करूंगा, जिन्होंने सिख रेजिमेंट के सोल्जर्स को श्रीनगर एयरपोर्ट तक ले जाने में एक पायलट के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्योंकि ट्राइबल इन्वेडर्स द्वारा रोड्स ब्लॉक कर दिए गए थे, ऐसे में ट्रुप्स और अदर सप्लाईज को वहां तक पहुंचाने का एकमात्र जरिया यही एयरपोर्ट ही थे। बताते हैं कि अगर यह एयरपोर्ट हमारे साथ चला जाता, हमारे हाथ से चला जाता, तो पूरा जम्मू और कश्मीर हमारे हाथ से चला जाता। ऐसे में श्री बीजू पटनायक के योगदान को भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इन्हीं परिस्थितियों में इंडियन एयरफोर्स ने अपने डकोटा विमान उड़ाने के साथ साथ डोमेस्टिक एयरलाइंस से भी विमानों की सहायता के लिए आग्रह किया ताकि उनका इंडक्शन अगले 5 दिनों में 161 ब्रिगेड में किया जा सके। सिविल एविएशन सेक्टर मिलिट्री को पूरा सहयोग दिया गया उसके द्वारा और इस बार में हमें आपसी सहयोग की एक बहुत बड़ी मिसाल देखने को मिली है। साथियों, इस ऑपरेशन से इंडियन एयरफोर्स के आर्मी के साथ सहयोग की भी शुरुआत हुई जो कि पूरे कैंपेन के दौरान यह जारी रही। चाहे वो शालतेन की लड़ाई हो या बड़गाम की, इंडियन एयरफोर्स बैटलफील्ड पर एक इनवेलिएबल एसेट के रूप में मौजूदगी रही। पीसी लाल मानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी में यह इंडियन फोर्स का अत्यंत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा था जिसकी गौरवशाली परंपरा को आगे चलकर उन्होंने और अधिक ऊंचाई देने का काम किया था। गंभीर खतरों के साथ एक ऐसा ही ऑपरेशन लेह में लैंडिंग के दौरान किया गया जब एयरफोर्स कमांडर मेहर सिंह ने अपने डकोटा विमान में मेजर जनरल के एस थिमैया को साथ लेकर अपनी उड़ान भरी थी। इस विमान ने बिना प्रेशराइजेशन रूट मैप्स और बिना डीआइसिंग फैसिलिटीज के 24,000 फीट पर पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी थी। इसने 11,500 फीट पर एक इम्प्रोवाइज्ड स्ट्रिप पर लैंडिंग की और इसने एक बार पुनः प्रोफेशनल एक्विपमेंट कैलकुलेटेड रिस्क लेने की क्षमता तथा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट के माध्यम से नेतृत्व की क्षमता का यह प्रदर्शन किया और यही एक और उदाहरण था जिसे कठिन परिस्थितियों में इंडियन एयरफोर्स की प्रोफेशनलिज्म का उदाहरण प्रस्तुत होता है। इस उड़ान ने लेह की सुरक्षा सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी तरह एक और घटना देखी जा सकती है। उस समय वेपन सिस्टम के रूप में टैंक्स कोई नई चीज नहीं थी, सभी उसके बारे में जानते थे, लेकिन यह लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत सिंह का जज्बा और उनके द्वारा टैंक्स का इनोवेटिव इंप्लॉयमेंट था जिसने दुश्मनों को जोजिला की विसिनिटी में आने को मजबूर किया और उन्हें असेंबल किया और उन्हें पूरी तरह ध्वस्त करते हुए एक ऐतिहासिक विजय हासिल की। साथियों, इस सभी उदाहरण क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं कि किसी भी अभियान में जीत हासिल करने के लिए अत्याधुनिक वेपन सिस्टम्स, इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म तो जरूरी है ही, पर उनसे भी कहीं जरूरी है हमारे अंदर का जज्बा, काबिलियत और दृढ़ इच्छा शक्ति। टेक्नोलॉजी कितनी भी उपलब्ध हो, प्लेटफॉर्म कितने ही उपलब्ध हो, लेकिन यह किसी लीडर की इंजेन्यूटी होती है जो किसी की जीत और हार यह सुनिश्चित करती है।
यही क्वालिटी युद्ध में किसी पक्ष की और निर्णायक भूमिका निभाती है और इस मामले में भारतीय सेनाएं मैं समझता हूं कि अत्यंत दक्ष है। कठिन परिस्थितियों में चुनौतियों का सामना करने की वायुसेना की क्षमता 1965 में भी प्रमुख रूप से दिखाई देती है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि 1965 में कुछ MiG-21 विमान एयरफोर्स में शामिल हो चुके थे। इंडियन एयरफोर्स के मुख्य आधार मिस्टेयर्स, नेट्स और हंटर्स जैसे एयरक्राफ्ट थे। इन एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान एयरफोर्स के सेवर्स और स्टार फाइटर्स के खिलाफ तैनात किया गया था और इस युद्ध में पाकिस्तान का पलड़ा स्पष्ट रूप से भारी पड़ रहा था, लेकिन फिर भी इन विमानों ने अपनी ताकत दिखाई। और जैसा कि एयर चीफ मार्शल लाल लिखते हैं कि इन इट्स वेरी फास्ट इनकाउंटर विद बिगर मोर पावरफुल एयरक्राफ्ट द लिटिल नेट द डेविड प्रूव्ड इट्स वर्थ अगेंस्ट द गोलियाथ। इनसे आगे बढ़ते हुए इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवल वैरियर के साथ मिलकर काम करने की क्षमता का एक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तब देश के सामने आया जब एयर चीफ मार्शल पीसी लाल चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना की वास्तविक क्षमता देश को देखने को मिली थी। इस वार के दौरान कई शानदार ऑपरेशंस को भी अंजाम दिया गया। इसी तरह सेनाओं के बीच सहयोग और पेंगेल में पैराड्रॉप की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के दौरान स्पष्ट रूप से सामने आया। पीसी लाल के अनुसार बाई बोल्ड एंड इमेजिनेटिव यूज ऑफ द एयरफोर्स अवेलेबल टू इट फोर कोर प्रेजेंटेड ए मोस्ट कन्विंसिंग डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ वेल द टू सर्विसेज वुड वर्क टूगेदर। इंडियन एयरफोर्स ने न सिर्फ बैटलफील्ड में अपना दम दिखाया बल्कि पाकिस्तानी नेतृत्व की युद्ध को जारी रखने की इच्छा शक्ति को तोड़ने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। हमारे चार मिग और हंटर्स विमानों ने ढाका में गवर्नर हाउस को इस कदर ध्वस्त किया कि गवर्नर डॉक्टर ए के मलिक समेत अनेक ऑफिसियल को न मुंह छिपाते बना न मुंह दिखाते बना। ऐन वक्त पर कागज के एक टुकड़े पर कांपते हाथों से गवर्नर साहब को अपना रेजिग्नेशन लिखकर यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियल्स को देकर उनकी शरण लेनी पड़ गई थी। यहां मैं फिर से एयर चीफ मार्शल पीसी लाल को ही कोट करना चाहूंगा जो नियाजी को कोट करते हुए वह कहते हैं, आई एंड माय पीपल हैव हैड नो रेस्ट ड्यूरिंग डे और नाइट थैंक्स टू योर एयरफोर्स। वी हैव चेंज्ड अवर क्वार्टर्स इवन सो ऑफन ट्राइंग टू फाइंड ए सेफ प्लेस for a little rest and sleep so that we could carry on the fight, but we have been unable to do so. इसी तरह के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, पर मैंने ऐसे कुछ विशेष उदाहरणों का ही यहां पर जिक्र किया है जिनमें पीसी लाल के अपने अनुभव शामिल रहे हैं। ये सभी उदाहरण हमें यह बताते हैं कि कैसे इंडियन एयरफोर्स ने पिछले कुछ दशकों में कई चैलेंजेज और डिफिकल्ट ऑपरेटिंग कंडीशंस के बावजूद अपनी विजय की राह प्रशस्त की है। ये उदाहरण हमें यह भी बताते हैं कि जब सभी सेनाएं एक साथ मिलकर काम करती हैं, प्लान करती हैं और युद्ध लड़ती हैं तो विजय की संभावना कहीं और अधिक बढ़ जाती है। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन या सृष्टि का नियम है, यह शाश्वत है, इटर्नल है। ऐसे में निश्चित ही यह नियम युद्ध के ऊपर भी पूरी तरह से लागू होता है। और अगर हम यह बात मानते हैं तो हमें सोचना होगा कि आने वाले समय के यानी बदलते वॉरफेयर के लिए हम क्या पूरी तरह तैयार हैं। ऐसे युद्ध जो कब और किस रूप में हमारे सामने आ जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। मिलिट्री अफेयर्स और जियो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम भविष्य के युद्धों के स्वरूप क्या होंगे इसका अनुमान लगाते रहें और हमारी एडवर्सरी द्वारा स्पेस के मिलिट्री यूसेस की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। निश्चित ही इसका हमारे इंटरेस्ट पर विपरीत असर पड़ने की संभावना भी है। देयरफॉर यू हैव टू अप योर गेम। ऐसे में क्या इंडियन फोर्स को एयरफोर्स से आगे बढ़ते हुए एयरो स्पेस फोर्स की ओर बढ़ना चाहिए, इस पर विचार करना समय की यह महत्वपूर्ण मांग है।
स्पेस गाइडेड अटैक से बचाव और अपने स्पेस एसेट्स की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन एक्सपर्टीज हासिल करने और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में हम सोच सकते हैं क्या। इसी तरह एयरफोर्स टेक्नोलॉजी इंटेंसिव फोर्स है, ऐसे में हमारे पर्सनल को स्पेशलाइज्ड स्किल्स ट्रेनिंग की मैं समझता हूं यह बहुत ही आवश्यकता है। हम टेक्नोलॉजी फ्रंटियर पर ऑपरेट करें, अपने पर्सनल को कंटिन्यूअस ट्रेन करें और इस पर भी हमें विचार करने की जरूरत है। कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो आगे आने वाले सिक्योरिटी चैलेंजेस को प्रभावित करेंगे, फिर भी मैं ऐसी कुछ बातों पर जोर देना चाहता हूं जो हमारी फोर्सेस को फ्यूचर रेडी बनाने में मददगार साबित होंगे। साथियों, हम हालिया हाल के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स पर अपनी नजर दौड़ाएं तो हमें कई महत्वपूर्ण इंसाइट्स प्राप्त होंगे। हम सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और वर्तमान में जारी यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट को बारीकी से देखें तो हमें ऐसे कई विचारणीय बिंदु मिलेंगे जिससे हम भविष्य के युद्ध के स्वरूप को एसेस कर सकते हैं। हालांकि यह ट्रेंड सजेस्टिव है, फिर भी हम अपने लोकल थ्रेट्स के साथ कोरिलेट करके हम इनकी गहन समझ प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, युद्ध के संबंध में इसके संदर्भ में टेक्नोलॉजी पर भी चर्चा करना मैं अत्यंत आवश्यक समझता हूं। टेक्नोलॉजी ने न केवल वारफेयर बल्कि हमारी डे टू डे लाइफ पर भी अपना बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। पर इस संदर्भ में मैं यह दोहराना चाहूंगा कि अधिक एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म और वेपन सिस्टम आपको विजय दिला सकें यह हमेशा आवश्यक नहीं है। दरअसल यह किसी वेपन सिस्टम का इम्प्लायमेंट होता है जो युद्धों में हमें बढ़त दिलाता है। प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन हो, यूएवी हो या मैन पैक एंटी टैंक वेपन्स हो, किसी भी फ्यूचर वार में इनका इम्प्लायमेंट उतना ही क्रिटिकल होगा जितना कि पास्ट में था। टेक्नोलॉजी निसंदेह एक फोर्स मल्टीप्लायर है, पर बिना इनोवेटिव इंप्लॉयमेंट के अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट भी केवल दिखावटी सामान भर होंगे। नई नई टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स को केवल इकट्ठा कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, यह भी जरूरी नहीं कि वह किसी को जीत दिलाने में गारंटी बन जाए। साथियों, आज मैंने एयर चीफ मार्शल पीसी लाल के जीवन और अनुभव से जुड़े कुछ इंस्टांसेस आपके सामने रखे हैं। उनमें से हर एक उदाहरण हमें इंटीग्रेशन और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण ज्वाइंटनेस की इंपॉर्टेंस के बारे में सीख देते हैं। हम इंटीग्रेशन की प्रक्रिया के द्वारा हमारी फोर्सेज के लिए स्ट्रक्चर्स का निर्माण कर सकते हैं, पर उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि हम ज्वाइंट विजन, ज्वाइंट ट्रेनिंग, ज्वाइंट प्लानिंग और ऑपरेशन के ज्वाइंट एग्जीक्यूशन के माध्यम से उनके बीच ग्रेटर सिनर्जी स्थापित करें। साथियों, 1971 के युद्ध न केवल आर्म फोर्सेस के बीच बल्कि नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के प्रति होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। आर्म फोर्सेस के इंटीग्रेशन की चल रही प्रोसेस का उद्देश्य न केवल हमारी कंबाइंड कैपेबिलिटी बल्कि हमारी एफिशिएंसी को भी आगे बढ़ाना है। जितने भी इनविसास चेंजेज हैं उनको लेकर आर्म फोर्सेज में अच्छी खासी डेलिबरेशंस भी हुई हैं। रिफॉर्म्स के इंप्लीमेंटेशन तक यह कंसल्टेटिव प्रोसेस लगातार जारी रहेगा। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि इसी लॉन्ग टर्म सक्सेस जितना प्लानर्स के विजन पर निर्भर करेगी उतना ही उन पर भी निर्भर करेगी जो इसे इंप्लीमेंट करेंगे। यानी आप, मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में वैचारिक रूप से तो एकता स्थापित होगी बल्कि एक्शन में उससे कहीं अधिक एकता हमें देखने को मिलेगी। साथियों, आत्मनिर्भरता की बात किए बिना मैं समझता हूं आज की चर्चा अधूरी रहेगी। यह एक सच्चाई है कि हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं और यह भी सही है दुनिया भर की कंपनीज और कंट्रीज सीमाओं के पार अपने काउंटर पार्ट्स के साथ कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने के लिए तेजी से इंटीग्रेट हो रही है। निश्चित ही हम भी इस ग्लोबलाइज इफर्ट्स के हिस्सा हैं, पर आप सभी जानते ही हैं कि कोई भी राष्ट्र केवल इंपोर्ट्स के आधार पर सेफ और सिक्योर नहीं बन सकता है। कोई भी राष्ट्र केवल उधार ली हुई कैपेबिलिटीज के आधार पर एक सीमा से आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता है।
एक लंबे समय तक हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए इंपोर्ट्स पर निर्भर रहे। मिग से लेकर सुखोई और हाल के रफेल एयरक्राफ्ट तक हमने अपनी सुरक्षा के लिए दुनिया भर से बहुत एडवांस्ड इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स इंपोर्ट किए हैं, पर पिछले कुछ समय के एक संयंत्र ने हमें बताया कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए लंबे समय तक इंपोर्ट्स पर निर्भर नहीं रह सकता है। हालिया कॉन्फ्लिक्ट ने हमें यह बताया और विशेष रूप से मैं यहां पर यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट की बात करना चाहूंगा, यह बताया है कि केवल डिफेंस सप्लाईज ही नहीं बल्कि नेशनल इंटरेस्ट की बात आने पर कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी तनाव आने की पूरी संभावना बनी रहती है। ऐसे में आत्मनिर्भरता न केवल डोमेस्टिक कैपेसिटी बिल्डिंग बल्कि हमारी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भी यह बहुत ही आवश्यक है। आत्मनिर्भरता की जो राह हम लोगों ने चुनी है उस पर चलना आसान नहीं है। हो सकता है शुरुआत में हमें यह किफायती भी न हो, पर इस बात को लेकर हम पूरी तरह स्पष्ट हैं कि मिडिल और लॉन्ग टर्म में यह न केवल डिफेंस सेक्टर बल्कि इंडस्ट्री के हर स्पेयर में रोबस्ट इंडस्ट्रियल बेस का फाउंडेशन बनाने में यह निश्चित रूप से हमारी मदद करेगा। पिछले कुछ समय में हमने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं वे सभी सेल्फ रिलायंट स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को अत्यंत सशक्त बना सकते हैं। भविष्य में हमारी योजना न केवल अपनी जरूरतें पूरी करने की बल्कि डिफेंस इक्विपमेंट के नेट एक्सपोर्टर के रूप में उभरने की भी है। साथियों, डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए पॉलिसी चेंजेस डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए आइटम्स की पॉजिटिव लिस्ट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का निर्माण, एमएसएमईज के लिए स्पेशल स्कीम्स, आईडेक्स इनिशिएटिव के माध्यम से इनोवेशन को इनकरेज करना, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रयास, डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने का प्रयास आदि इस संदर्भ में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं। और साथियों, हम यह स्वीकार करते हैं कि हम उन सौभाग्यशाली लोगों में से नहीं हैं जिनके बॉर्डर्स पूरी तरह से सेटल्ड रहे हैं। हमें कई प्रकार के सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। समुद्री रास्तों से भी खतरों की संभावना ये बनी रहती है। इन सब के बावजूद मैं आप सभी को आश्वस्त कर सकता हूं कि हम न केवल अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को पूरी तरह सुनिश्चित कर रहे हैं बल्कि पूरे रीजन में हम आउट ऑफ एरिया कंटिंजेंसीज के लिए फोरमोस्ट रेस्पॉन्डर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। और हमारी आर्म फोर्सेज और स्टेट के अन्य सभी ऑर्गन्स के कंबाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन के कारण ही यह संभव हो सका है और यह प्रोसेस हम आगे भी बढ़ाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। मुझे विश्वास है कि एयर चीफ मार्शल पीसी लाल जैसे विजनरी ऑफिसर द्वारा हमारे देश की डिफेंस और सिक्योरिटी के लेकर जो नींव रखी गई थी वह आने वाले वर्षों में लगातार और अधिक मजबूत होगी और हम दुनिया में एक सुरक्षित, शांत और सशक्त राष्ट्र के रूप में अपनी इस उपस्थिति बनाए रखेंगे। साथियों, मैं एक और बात के साथ अपना वक्तव्य यहां पर पूरा करूंगा। रास्ते में आते जाते मैं इंडियन एयरफोर्स का एक बड़ा सा कैरियर एडवर्टीजमेंट देखता हूं जिसकी लाइंस कुछ इस तरह लिखी होती है, वंडरिंग इफ दिस इज द कैरियर फॉर यू, टेक द नेक्स्ट फ्यू मिली सेकेंड्स टू डिसाइड। यानी हमारी एयरफोर्स का किसी एक्शन के प्रति रिएक्शन कितना क्विक है, कितना शार्प है, वह इस एड में देखा जा सकता है। हमारे समाज में सिविल सर्विसेज अधिकारी या फिजिशियन आदि अनेक ऐसे प्रोफेशन होते हैं जिनका रिस्पांस टाइम कुछ दिन का होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित लोगों का रिस्पांस टाइम कुछ घंटों का होता है। सर्जन जैसे प्रोफेशन जो होता है उनका रिस्पांस टाइम कुछ मिनटों का होता है, पर हमारी एयरफोर्स के ऑफिसर्स और जवान का रिएक्शन टाइम मिली सेकेंड्स का होता है। और यह दिखाता है कि आप लोग कितने शार्प हैं। यानी जब से आप लोग मुझे सुन रहे हैं तब से कई लाख मिली सेकेंड्स का रिएक्शन टाइम अब तक बीत चुका हूं। ऐसे में आप लोगों का अधिक समय न लेते हुए मैं एक बार पुनः एयर चीफ मार्शल पीसी लाल की स्मृति को नमन करता हूं और उनके त्याग और समर्पण के प्रति तहे दिल अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और उनके विजन के अनुरूप
आगे बढ़ने के संकल्प को दोहराते हुए मैं यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं और पुनः एयरफोर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आर के भदौरिया और उनकी पूरी टीम ने मुझे यहां आमंत्रित किया है, इसके लिए धन्यवाद की अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। धन्यवाद।